દર વર્ષ શરદ પૂર્ણિમાની રાત્રે સુરતના ડોક્ટર ફિરોઝ મોકર્સ દ્વારા યોગાનું આયોજન કરવામાં આવે છે જેમાં અનેક યુવક યુવતીઓ ચંદ્રમાની રોશની નીચે યોગાઓ કરી મનથી પ્રફુલ્લિત અને શારીરિક રીતે આરામ અનુભવે છે આસોસૂદ પૂનમ ને શરદ પૂર્ણિમા આવે છે આ દિવસે પૌવા અને સાકરને ને દૂધ સાથે ઓગાળવાનો રિવાજ છે તેમજ ચંદ્રના અજવાળામાં મોડે રાત સુધી રાસ લેવામાં આવે છે તો બીજી તરફ સુરતમાં ડોક્ટર ફિરોઝ મોકર્સની આગેવાનીમાં અનેક યુવક યુવતીઓ યોગા કરી શારીરિક અને માનસિક રીતે પ્રફુલ્લિત રહેવાના પ્રયત્ન કરે છે अच्छा माई नेम इज़ डॉक्टर फिरोज़ मॉर्कस फ्राम सेक्रेट स्टेप्स और आज आज हम यहाँ पूजा अभिषेक की टेरेस पे शरद पूर्णिमा के दिन फुल मून मेडिटेशन कर रहे हैं बहुत सारे लोग आए हैं हर साल मैं ये कराता हूँ और हर साल बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और इससे फ़ायदा ये है कि पूरी मून उन पे आती है वो लोग मेडिटेशन करते हैं और पूरे साल ट्रिमेंडस रिजल्ट्स उन उन्हें मिलता है ये मैं हर साल कराता हूँ आज भी आप देखेंगे कि बहुत इंटरेस्टेड लोग आए हैं सब अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए हैं लेकिन ये मेडिटेशन में साल में एक ही बार आते क्योंकि आप सब जानते हैं कि आज जो मून है उसका जो प्रकाश है वो पूरे साल में सबसे अधिक से अधिक है सो ये मेडिटेशन करने से शारीरिक तकलीफ़ भी बहुत दूर होती है फाइनेंशियल गोल्स भी अचीव होते हैं और प्रोग्रामिंग भी होता है सो मैं सबको ये दरख्वास्त करूंगा कि हर ऐसे दिन कोई भी ऐसा बड़ा दिन आता है मेन तो आज का जो शरद पूर्णिमा का दिन है आज रात को भी आप कर सकते हो मेडिटेशन जो मैं यहाँ कराता हूँ इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा ये मैं आम जनता को कहना चाहता हूँ ये मैं दस साल से करा रहा हूँ एंड इट इज़ टोटली ऑन ग्रेटिट्यूड बेस बहुत सारे इसका फ़ायदा ले चुके हैं उसके ट्रिमेंडस रिजल्ट आते हैं थैंक यू वेरी मच આમ તો છેલ્લા દસ વર્ષથી ડોક્ટર ફિરોઝ દ્વારા યોગાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું ત્યારે આ વર્ષે પણ સૌથી વધુ લોકો યોગામાં ભાગ લઈ આનંદ અનુભવ્યો હતો સાબીર સૈયદ સાથે બિજલ પટેલ દિવ્યાંગ ન્યૂઝ સુરત